साथियों नमस्कार, आप सबका एक बार पुनः स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो पेपर है सीटी का और 4 फरवरी को जो सुबह पहली पारी का पेपर हुआ है, इस पेपर के बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी अभी सस्पेंस में, जिनका आगे पेपर है, वो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर पेपर कैसा होगा और क्या पेपर में आया है। देखो, पेपर वास्तव में एक खिचड़ी होती है ना, पूरी ज़बरदस्त वाली खिचड़ी होती है, वही है। इस पेपर में 10th क्लास का लेवल शानदार रखा है, 10th क्लास की मैथ का लेवल अच्छा रखा है। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत अच्छे दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में दे रखे हैं। राजस्थान जीके पूछा है, बिल्कुल सिंपल पूछा है। नदियाँ, झीलें, जलवायु, वनस्पति वगैरह जो क्वेश्चन आते हैं वो के वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए। हिस्ट्री के ज़्यादा नहीं आए, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पूछा गया है और एक दो सभ्यता के बारे में पूछा गया है, बेंगू किसान आंदोलन के बारे में पूछा गया है, एकीकरण का क्वेश्चन आया है, क्रांति से कोई क्वेश्चन नहीं आया, प्रजामंडल से नहीं आया। एक भी क्वेश्चन जीके का ऐसा नहीं था जिसमें सुमेलित करने वाला हो, सुमेलित करने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं आया। बेमेल छांटिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया, कथन निष्कर्ष जीके में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बिल्कुल वन लाइनर और सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए हैं। कला संस्कृति बिल्कुल कम रखी गई है और मैथ का लेवल बहुत ही गजब का रखा है, मैथ शानदार थी और कंप्यूटर के क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक कंप्यूटर के और साइंस के क्वेश्चन दे रखे, कंप्यूटर बिल्कुल ईजी दे रखा था, MS Word, MS Excel वगैरह क्वेश्चन इसमें दे रखे थे, बहुत आसान था। मैथ वास्तव में वैसे तो आसान थी, वो तो हार्ड नहीं थी, जिसने नहीं पढ़ी उसके लिए हार्ड है। पेपर इतना टफ नहीं था, करंट जीके इसमें काफ़ी दिख, लगभग 8 से 9 क्वेश्चन करंट जीके के दे रखे हैं। राजस्थान के अच्छे प्रश्न हैं, 3-4 प्रश्न आपके इंडिया जीके का ही है। गुरु शिखर अरावली के प्रश्न जो फिक्स आते हैं, 2 प्रश्न इसमें अरावली के पूछे गए। राजस्थान के स्थानीय परिचय से कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है। और बात यह है कि सर नेक्स्ट जो पेपर होने जा रहा है, अब आगे जो पेपर होंगे, उन विद्यार्थियों को क्या, किस पर फोकस करना चाहिए, किस पर डेडिकेशन करना चाहिए। देखो, मेरा यह मानना है कि एक तो जो सुमेलित करने वाले प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया गया है। अब कई सोचेंगे जो सर ने बताया है वो टॉपिक पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री इस पेपर में कम हाईलाइट की गई है, कला संस्कृति इसमें कम पूछी गई है, तो आप हिस्ट्री और कला संस्कृति पर राजस्थान जीके में काफ़ी फोकस कीजिए। मैथ इस पेपर में ज़्यादा दी गई है और रीजनिंग इसमें कम दी गई है, तो हो सकता है अगले पेपर में रीजनिंग ज़्यादा आ जाए, मैथ कम आ जाए, वो ऐसा भी हो सकता है। पर मैं जीके के लिए आपको गाइड देना यही चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि इसमें राजस्थान ज्योग्राफी को ज़्यादा टारगेट किया गया और करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया। तो प्यारे लाडले विद्यार्थियों, जो 6 मंथ की या 1 मंथ की जो भी चलती है किताबें चलती है, ये करंट अफेयर को लेकर करंट अफेयर पर फोकस करके जाना। जितने भी पद हैं हमारे भारत के अंदर, जो भी मंत्री संतरी जो भी हैं सारे, और ख़ास करके इन मंत्रियों और इनके पदों के बारे में जरूर पढ़ के जाना। राजस्थान के अंदर करंट अफेयर बहुत ही अच्छे लेवल का पूछा गया है, खेल से संबंधित क्वेश्चन बहुत अच्छे डाले गए, और भी बहुत जीके भी और बन सकता है। तो करंट के लगभग 9-10 क्वेश्चन इसमें करंट के पूछे गए हैं, राजस्थान करंट अफेयर के, इंडिया नहीं राजस्थान के। तो राजस्थान करंट अफेयर पे अच्छे से फोकस करना है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। बाकी अब देखते हैं, दोपहर में एक एग्जाम और हो रहा है, उसका लेवल कैसा रहता है। शाम को दोस्तों फिर एक वीडियो में और लेकर आऊंगा, उसमें बताऊंगा कि 2 पेपरों का जो लेवल है उन दोनों को ध्यान में रखते हुए और 3rd पेपर का लेवल कैसे रहना चाहिए, अगले पेपर का कैसा लेवल रहना चाहिए, वो अपने अगली सेशन में बात करेंगे। तो साथियों, ये छोटी सी आपके लिए गाइडलाइन थी, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।